आ रहे हैं, दुनिया के मुताबिक अमल करने वाला मायूस होगा कि लोगों के कहने के चाय लगा दो, काली पीली चाय लगा दो, लोगों में देखा अगर अगर चलना कबूतर की तरह और चाल चलता है, और जब लोग देते नहीं है फिर परेशान हो जाता है, किसी और मिजाज से चलता है फिर परेशान हो जाता है, आंखों में सुरमा लगाता है, अगर देखने वाले अंधे हो तो सुरमा क्या काम करेगा, आपको ही बताओ नाम बताते ना, तो लोग आपकी मदद तारीफ समझ सकते आपकी हकीकत क्या है। इसलिए यह है कि दुनिया के मुताबिक अमल करने वाला मौजूद, नफ्स के मुताबिक अमल करने वाला भी मौजूद, और नफ्स जो है बेतहाशा खाता है, खाते जाओ खाने खा लो, और जब बीमारी का नाम डॉक्टर बन जाएगा अच्छे फिर खाना परेशान करेगा, कहता है जी लानत भेजो ये खाना ही नहीं खाना था मैं, कहते हैं इसके अंदर पहले नमक छोड़ दो और फिर मीठी छोड़ दो चीज, आप रहता के छोड़ ही दो, जो चीजें रगबत से खाता है इंसान कुछ चलते के बाद इंसान के वजूद में इतनी इस्तेदाद नहीं कि वो ये क्या रगबत से खाता जाए, नफ्स की खुशनूदी भी है देर पान हुई, नफ्स जो है जो भी आप ख्वाहिश करते हो पूरी होने के बाद फिर आप इस काबल नहीं होते कि दोबारा ख्वाहिश करो, किया है नफ्स कि आपने नफ्स को मुतमिन किया, नींद में गलबा अगर सो गए बड़ी जोरदार नींद आई है और सुबह उठ के फिर जाए और वही वाकया दौड़ो फिर, तो एक वाकया दो दफा नहीं कर सकते आप, नफ्स है कि ये टूटी है कि ये आपको सही रास्ते नहीं ले चलता और कहीं ना कहीं जस्टिफाई करके आपको गुमराह कर देता है। तो आप इसी कहा अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुआ करा करो कि मिन शुरूरे अनफुसना, अल्लाह ताला हमें बचा हमारे अपने नफ्स की शर से, नफ्स जो है आपको आबिद मरना चाहता है कि आबिद मरो और इबादत से मालूम करता है, नेक मशहूर करना चाहता है और बदी के अंदर सफर कराता है, इसलिए यह है कि ये वो शैतान है कि एक कहता तुम बुराई करो और उसके ऊपर कहता है शैतान, शैतान के वाकयात बताए उन्होंने कि शैतान जब इंसान बुराई करता है तो उसके ऊपर पर्दा डालना और इंसान समझता है कि बुराई कोई देख रहा, फिर शैतान क्या काम करता है बाहर निकल के फिर ढोल में जा देता है कि बुराई हो रही है, और फिर जो बुराइयां आपकी मखफी होते हैं और वो बुराई आदत होकर बाहर आ जाती है, आदत इसी का नाम है कि आपने जो फाइल के अंदर गुमराई की है ना और वो फाइल जो है आदत वाले कहेंगे वही आप इसके दिला पड़ेंगे, ये क्या काली साइटू को एक और चाहिए लेके, ये तो ओवर राइटिंग हो गया, ओवर राइटिंग के बैंक वाले जानते ना कह रहे ये ओवर राइटिंग हो गई, तो ये क्या हुआ खराबी, ये नफ्स की बात है, नफ्स हमेशा ओवर राइटिंग करता रहता है और पकड़ा जाता है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए काम किया, काम कामयाब हो या नाकाम हो मौजूदगी कभी नहीं होती, नाकाम हो गया काम लेकिन अल्लाह की खुशनूदी के लिए किया था वो कामयाब है, वो देखो आपको कहता हम खुशनीति से चले, वो इत्तेफाक से उस बंदे को हम बचाने के लिए गए, हमें इस रास्ते मिला मिली कि बंदा अल्लाह का प्यारा हो गया तो हो गया। आप मौजूदगी की बात करिए, हमारा अमल नियत के साथ अल्लाह की रजा, अगर आप अपने अमल को अल्लाह की रजा से इन ट्यून करा दो तो कभी मायूसी नहीं होगी, चाहे काम नामुकम्मल ही हो मायूसी होगी, दुनिया के मुताबिक काम किया। एक अजीज शरीफ है सरकार ने फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा कि औलादें और मां बाप इंसान को अलग कर देंगे, वो वक्त बड़ा मुश्किल होगा, उस वक्त जो है ना अब बेहतर है कि तुम अपनी शादियों में शक न करो, औलाद और मां बाप अलग कर देंगे इंसान को, दावा करने की या सुन ये कैसे जमाना आ सकता है कि औलाद और मां बाप अलग करें इंसान को, वो तो कभी नहीं अलग करते। आपने फरमाया बात यह है कि औलाद बाप से वो तकाजा करेगी जो उसकी इस्तेदाद में न हो, मां बाप उससे वो तकाजा करेंगे जो उसकी दस्तरस में न हो, और उसको गरीब होने पर गैरत दिलाएंगे और वो गैरत को बदलने के लिए अपने आप को अमीर करने के लिए ईमान बेचने पर मजबूर हो जाएगा, यानी कि हराम की कमाई आपने मेज पर आकर रखी औलाद से कहा बिस्मिल्लाह करो खाओ, बिस्मिल्लाह क्या करें, वो है ही पहले बदले में इंदा लीला की कमाई, यानी कि नाजायज कमाई दस्तर खान पर ला के रख दो, औलाद से कहो कि बिस्मिल्लाह आप खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह वो खाना क्या खाएगा, खाना ही ना पाक हो गया, तो इस तरह औलाद हलाक कर देती है, मां बाप भी हलाक कर देते हैं, दुनिया आपको हलाक कर देगी, दुनिया गलत चीज की तारीफ करेगी और तुम खा मखा और वो कब्बे की जो
कि लूमी ने उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, उसने अपना गाना गाया और लुकमा छोड़ दिया। तो इंसान इससे हलाक होता जाता है दुनिया की मर्जी के मुताबिक चलने से, अपने नफ्स के मुताबिक चलने से हलाक होता जाता है। कि एक दफा ऐसा वाक्य हुआ कि एक आदमी ने इस इतला मिली कि जंगल में कोई डाकू है, वो लोगों से माल छीन लेता है, मुसाफरों से कहता माल और बड़ा परेशान किया। तो दरवेश चला गया दखील ले बाबा, वो आ गया रखा रख क्या है? ये जो आपके पास हिस्ट्री है ये तो गैस बेची थी मजाक दूंगा, तू कहेगा क्या इसको? कहे मैं जाके गा देता हूँ, बच्चों को देता हूँ और खाते पीते हम लोग रौनक लगाते हैं इसमें तेरा क्या? ठीक है ये ले जा गठी माल बीते हैं, मैं यही बैठता हूँ, तू जाके पूछ के औलाद से और माँ बाप से कि अगर इस अमल की वजह से तुझे कभी गिरफ्त हो गई तो क्या वो साथ देंगे? इस अमल के इनाम से वो हासिल करते हैं इसको, लेकिन अगर इसकी सजा कहीं हो गई तो क्या वो शामिल होंगे? गया घर दौड़ा दौड़ा पीछे वकील था, जाकर बीच से कहा ये लो, देखा बात सवाल था कि बाबा ने वहां बैठा हुआ है, वो कहता इस वजह से मेरे खुदा ने पकड़ लिया तो तुम लोग मेरे साथ दोगे? तो बात किया हम तो नहीं कह रहे तू हराम ला, तो कह रहे तू जायज कमाई ला, हम तो खाने वाले हैं, तू जो भी लाएगा हम खाने के मजबूर है, इसलिए अगर तू नाजायज कमाएगा तो तेरा नाजायज कमाने का नाजायज अमल के जिम्मेदार तो खुद ही होगा। और वो मकाम ऐसा है जहां भाई भाई के काम नहीं आएगा, अल्लाह ने फरमा दिया बाप बेटे के काम नहीं आएगा, अब माँ औलाद के काम नहीं आएगी, कोई किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह के लिए फरमाता है कि देखो तेरी कोई नेकी कम हो गई है, का नेकी चाह लिया आपने हल्का या बाप से, वो हल्का बाप के पास जाएगा, हल्का बाप कहेगा कि देखो मेरे एक आध नेकी छाट है और तुम्हारे पास बजट की प्रवानी है, तेरा कोई एक आध नेकी नहीं कहा, देखो वो दुनिया का कारोबार था, हम आपकी मदद करते रहे हैं, यहाँ तो कोई चीज की गुंजाइश नहीं है, बुलाता करो बाजरा तुम दूसरे उपरा, अब कोई किसी दूसरे का बोल खाने का कमी नहीं है। आता फिर माँ के पास जाएगा, उन्हें पाला, उसका मैंने खून दिया, दूध पिलाया, सब कुछ किया, यहाँ बेटे नेकी का इतना हुक्म नहीं है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, बाप कोई नहीं करेगा, और मुंह लटकाया वो बाप बताएगा अल्लाह के फरमाएंगे देखो इन लोगों की खातिर तूने मुझे छोड़ा और आज इनमें से कोई तेरे काम ना आया, ये अलग बात है कि तुझे माफ कर दूं। तो ये है कि आखिर जब काम मेरी रहमत में आना है तो वो लोग जो रहमत के रास्ते में रुकावट है तो खुद ही उनसे याद पा, तो ये दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, न तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हारी औलादें काम आएंगी, न हल्का या बाप काम आएगा। कहते वो लोग जो कंधे से कंधा मिला के बैठते थे आखिर उन्हें कंधा भी न दिया, जिना देखो ये दुनिया में ऐसी होता है। आज जिनकी खातिर हम बर्बाद हुए ईमान बेचा और उन्होंने भी साथ न दिया, कोई साथ नहीं देगा, तो वहां पर तेरी तन्हाई होगी और तू अकेला होगा और जवाबदेही होगी। वहां कहा लगेगा अल्लाह ने कि वहां अकेला अल्लाह तला की बादशाही है कहार, आज हिसाब बता। कहता जी मैं उसके लिए वो नहीं है, वो नहीं किसी का मानता, अपने अमाल को दुनियावी हिसाब से चलाने वाला मायूस जरूर होगा, नफ्स की तस्कीन वाला अमल जो है मायूस जरूर होगा। नफ्स के मकामात नंबर वन जो है ये शख्स की तस्कीन, ये नफ्स का मकाम है, और गुरूर की तस्कीन और नुमाइश की तस्कीन, नुमाइश मतलब अपने आप को शोरत करना, इफ्तिखार करना, नुमाया करना, और जिसे कहते हैं हसद करना, ये सारे नफ्स के मकाम है, हसद है, हिरस है, नुमाइश है, अलाइश है, ये सारे मकाम, ये इन काम के लिए करने वाला जो है ना कभी मायूसी से बच नहीं सकता, ये दुनिया है, ये नफ्स है, और नफ्स से जो अमल करता है वो सारे गुजारा मारा हो या कोई हो सारे गुजारा किया। एक आदमी को मायूसी नहीं होती जिसने अल्लाह की खातिर अमल, और वो हमेशा ही सरफराज हुए जिन्होंने अल्लाह की खातिर अमल किए, वो अमल कामयाब हो या नाकाम हो इससे कोई बात नहीं है। अगर आपका अमल अल्लाह के रास्ते पर हो और अल्लाह की रजा के लिए हो, कोई से भी अमल हो मायूसी नहीं होगी। आप हज करने जा रहे हो, इत्तेफाक से रास्ते में आठ फेल हो गया तब भी हज जाए तो उस रास्ते पर उस रुख पर हुआ, और अगर आप दुनिया की तरफ जा रहे हो
तो रास्ते में आपको इनाम मिल गया, तब भी यह रहा है कि दुनिया के अंदर हासिल होने वाले मकामात और कामयाबियां दरअसल ये नाकामियां हैं। जब इंसान को राजकार होता है कि सब नाकामियां हैं तो मायूस होता है। मायूसी दरअसल इतना है कि गलती हो गई। जब मायूसी आ जाए तो समझो कि आपके अंदर जमीर ने आवाज दे दी। जमीर कहने लगा कि मैं इससे पहले कि मैं मर जाऊं तुझे मैं इतला दे रहा हूं कि तू गलती कर रहा है। मायूसी का मतलब क्या है? जमीर के अब मरते हुए जमीर की आखिरी आवाज। क्या इसके बाद जमीर मरने वाला है और उसने बता दिया कि देखो गलती तुम कर गए। अब आचरे तो मायूसी को अल्लाह ताला ने मेरे लिए फरमाया मायूस ना होना, मायूस ना होना। और मेरी रहमत से मायूस होना कौन नहीं होगा? वो जो अल्लाह की खातिर चलेगा। मतलब यह कि अल्लाह की तरफ आप सफर करो और अल्लाह की तरफ आप रुख कर दो तो फिर आपको कोई मायूसी नहीं होगी। अगर आपका सफर इल्लाह होगा तो मायूसी नहीं होगी। अगर इला दुनिया होगा तो फिर मायूसी होगी। दुनिया काम क्या होता है? मकान, सामान, जायदाद, औलाद, इंतजार और नुमाइश और शोहरत और पैसा और नफ्स और हिरस और तमन्ना और हवा। हवा माना भी है गुरु हवा और हसद। और कहते या अल्लाह या मुझे पैसे दे दे सबसे छीन ले। या अल्लाह या मतलब मुझे ये मुझे भी इंजेक्शन कर दे तो जाड़ी से छीन ले या फिर मुझे अंडा कर दे मैं देखू तो ना। ऐसा आदमी लोग पड़े हुए हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर देते। आदमी से बर्दाश्त नहीं होता। एक आदमी कहा होगी चोरी, बड़ा चोरी जाती है रो रहा रो रहा रो रहा रोते जा रहा हजरत की बात है ये भीड़ होता है चोरी होगी क्या होगा? कहते इस बात में नहीं गम की चोरी होगी है गम मुझे और लग गया। तो क्या गम लग गया? कहते आपके लिए है। कहते अगर सबके साथ हो जाए तो फिर गम कम हो जाता है। तो गम कम करने के दो तरीके, या आपका गम कम हो या सबको लग जाए। कहते मुझे बीमारी आपको हुई है ना? कोई बात नहीं है सबको हो गई है। कहते फिर ठीक है। कहते आपका हाँ कोई एक आदमी के ठंड लगा के एक बुढ़िया के बेटा मर गया और चीटी चिल्लाती चली गई मान साठ फुट खा लिया दहेज के पास गई। उनका बवाजे मैं तेरे बेटा वापस ला दूंगा। ये तू इस ऐसे घर से जाके कोई ताने लिया जिस घर में कोई ना मरा हो। तो गई एक घर में गया कहते वो आपके बदले के साथ गया आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। उनका वो अब्बा यहाँ तो पिछले एक साल पौधों गए थे तो मर तो गया वहां से उसे आटा लाना था कि दाने लाने थे फिर आपके बेटा जिंदा ना था। दूसरे घर गए उसके चार जान चले गए किसी का बेटा साहब गए तो जब वापस आई थी मुझे ठीक हो चुकी थी। उनका अगर रोनी ढोला तो कोई नहीं चुकी जाना थे क्या है इस जान पर कोई चुकी है ही अब गम किस बात का? तो गम जब सबके यहां हो तो फिर कम हो जाता है। गम के काम करने का एक तरीका यह बताया गया। इसलिए मायूसी से निजात का रास्ता सिर्फ यह है अल्लाह का रास्ता और कोई रास्ता। आपने अमल को अल्लाह के ताबे करो वरना मायूसी इतला है आपके जमीर की कि मैं मर गया और तूने मुझे मार दिया और मेरी इतला यह है कि तूने गलत कर। इसलिए मायूसी से बचना चाहिए। जिसको तुम जमा मालूम बचादा पैसे जमा करते रहते हो गिनते रहते हो इससे काम नहीं आना। अलगर का हिसाब ला कदर 60 करोड़ रुपया हिसाब कदर कुछ छोड़ से और भी है हिसाब वो भी जाए ये हिसाब समझता है कि इसमें ओवर ड्राफ्ट कर देते फिर पैसे कर देते बजट कर देते प्रीमियम बना लो। कहते यही हिसाब हिसाब ये नहीं हिसाब ये बता कि तूने लोगों के साथ क्या शुरू किया अपने आप के साथ क्या शुरू किया अपने ईमान के साथ क्या शुरू किया अपने जमीन के साथ क्या शुरू किया खुदा के साथ क्या शुरू किया और दीन के साथ क्या शुरू किया जिसको तूने मानने का ऐलान किया था तुमने दीन का ऐलान किया था क्या शुरू किया तुमने अपने साथ क्या तू इस तरह अकाजिब हो गया झूठा हो गया क्या तेरी नीयत जो है अब दुनियावी हो गई। तो ये झूठा आदमी जो है वो हमेशा मायूस रहेगा क्या उसका झूठ कामयाब ही हो जाए। अब अजहर है इसलिए आपने आपको सदाकत के रास्ते पर और खुदा के रास्ते पर डाल दो मायूसी नहीं होगी।